स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल एम एस डबल्यू स्टडी फॉर जॉब दे विच। तुहानू पता है कि अपनी साइंस की जो सीरीज़ लगातार चल रही है उसनू आपां कंटिन्यू रखांगे। तो अगर कोई स्टूडेंट न्यू है तो चैनल जरूर अपना सबसक्राइब कर लो और वीडियो नू अगर तुहानू वधिया लगी तो लाइक जरूर करियो। इस तों अलावा अगर तुसीं अपनी वीडियोज़ होर देखना चाहते हो तो पुरानी वीडियोज़ साइंस दी जरूर चैक करो, जनरल साइंस दी, चाहे वह पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल होवे जां ETT का जो सैकंड एग्जाम होने वाला, तो दोनों लिए की है लाहेवंद होनी क्लासा वो तो लास्ट क्लासा जो आप पहले लगा कटे वह भी देखो। तो अज वाली क्लास भी अपनी की करो, अपने आप में जरूर चैक करो कि तुहाडे किन्ने नंबर बनते हैं। देखो सब तो पहला की अपने को फस्ट क्वेश्चन की है, किहड़ी गैस नूं मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन है तुहाडे कोल, ए ऑप्शन मिथेन है, बी ऑप्शन इथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो प्रोपेन है। तो अगर आप थोड़ा जिहा दस दी, कार्बन मोनोऑक्साइड है जी अपने कोल, इहदा फार्मूला हैगा CO। अगर इहदे थले 2 लग जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब मोनो का मीन हुंदा सिंगल, तो ऑक्सीजन की है इत्थे सिंगल होगी, जिहड़ी कि गैस की अपने लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो चैक करो इसका आंसर किहड़ा आएगा, इसका आंसर आएगा जी अपने कोल ऑप्शन नंबर ए। तो मार्स गैस नूं ही मिथेन गैस भी कहा जाता है, फर्स्ट का आंसर आएगा अपना ए। नैक्सट जी अगे आ गया अपने को सैकंड क्वेश्चन। सैकंड क्वेश्चन है, फसलों के अध्ययन की कहते हैं, फोमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फ्लोरीकल्चर, टैक्सोनॉमी। हुण की है अपने कोल, कुछ स्टूडेंट देखेंगे बस इतने फ्लोरीकल्चर देख लेंगे, ठीक है, वो टिक लगा देंगे क्योंकि कल्चर एक तरह का तुम्हें पता है कि रिलेटड कि फसलों के नाल फ्लोरीकल्चर, ठीक है, मतलब रिलेट किया जा सकता है। वट इहदा जिहड़ा राइट आंसर है आप पहला भी कर चुके हैं, ठीक है, एक अध्ययन करिया सीगा आपां जिदा कि आप सैलां दे अध्ययन नूं की कहिंदे आ, ठीक है, कोशिकावां जां सैलां दे अध्ययन नूं की कहिंदे आ, आप लास्ट वीडियो दे विच करिया सी, चैक कर सकते हो तुसीं। ते फसलां दे अध्ययन नूं की कहिंदे ने, फोमोलॉजी। तो आंसर अपना किहड़ा आवेगा, ए राइट आवेगा जी, ठीक है। बाकी तुसीं इहनां तिन्नां नूं जरूर पढ़ियो कि एस्ट्रोनॉमी की होंदी है, फ्लोरीकल्चर की होंदा है, टैक्सोनॉमी की होंदा है, ठीक है। ये वैसे जो पेड कोर्स चल रहा है अपना, पेड कोर्स दे विच PDF दे विच इन्हां दी सारे दी एक डिटेल सेंड कर दिती गई है। जो स्टूडेंट कोर्स ले हैगा, जिन्हां कोल अवेलेबल हैगा गा अपना, खरीद चुके ने कोर्स, परचेज कर चुके ने, तो उन्हां नूं तां आई थिंक आउणा चाहीदा चारां दे बारे। तो बाकी स्टूडेंट भी जरूर इस दे उपर चैक करो, अदरवाइज तुसीं की कर सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है, अपना पंजाब पुलिस का कोर्स और ETT का कोर्स है, ठीक है। तो तुसीं की करो, जरूर परचेज करो अपने MSW स्टडी ऐप के उपर जाके। देखो जी नैक्सट सम अपना थर्ड सम की है, हेठ लिखा विचों किहड़ा प्राणी मनुख का दोस्त है। दोस्त समझ गए होंगे तुसीं, ठीक है, भी मनुख लई लाहेवंद किहड़ा है, मक्खी, कीड़ी, तितली जां गंडोआ। स्पैलिंग दे विच थोड़ा जिहा फर्क है, इहदे विच इस तरह पैंदा गंडोआ, ठीक है, तो गंडोआ। तो देखो इहदे विच प्राणी किहड़ा, मनुख दा प्राणी अपना प्राणी जिहड़ा मनुख दा दोस्त है वह किहड़ा है, गंडोआ, सब नूं पता जी, ठीक है। ये मिट्टी दे विच रहिंदा, जदों मिट्टी विच रहिंदा तां उहनूं की कर दिंदा, धरती नूं पोली कर दिंदा है। तो पोली कर दिंदा, जिहड़ी भी आपां कोई भी फसल बीजदे हां तो उहदे नाल की हो जाता है, उहदी जड़ स्ट्रोंग हो जाती है, कहने का मीनिंग है, ठीक है, फैल जाती है। तो जो फैल जाती है तो वह की करेगी, उत्पादन है जिहड़ा उहदे नाल की होता फसल का वध जाता है। तो एक मित्र कीड़ा कह सकते हैं आप गंडोए, ठीक है, तो गंडोए का आंसर आएगा। नैक्सट आंसर जी, बल्ब दे विच कि गैस वरती जाती है, बल्ब दे विच कि गैस वरती है, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, तो फ्लोरीन। सब तो पहला देखो हीलियम, हीलियम आप पहला कर चुके हैं, ठीक है, लास्ट लैक्चर जरूर एक बार वाच करो, वो हीलियम कादे विच वरती जाती है। तो हीलियम तो बगैर आप ऑक्सीजन भी पढ़िया सीगा, ठीक है, तो बट जी बल्ब दे विच गैस वरती जाती है, आर्गन वरती जाती है, एक होर फिलामेंट वरत्या जाता है, उन्होंने की कहते हैं टंगस्टन मैटल है, जिहड़ा टंगस्टन मैटल वरत्या जाता है क्योंकि इहदा जिहड़ा बॉयलिंग पॉइंट हुंदा है, उबलन अंक हुंदा बहुत ज़्यादा हाई हुंदा है, मतलब तां कि जिहड़ा बल्ब है फ्यूज छेती नहीं हुंदा, तो बल्ब दे विच गैस वरती जाती है अपनी आर्गन। तो ऑप्शन सी राइट है, ऑक्सीजन भी वरती जा सकती सी, ठीक है, बट ऑक्सीजन भी एक हल्की गैस है, तो क्यों नहीं वरती जाती, क्योंकि ऑक्सीजन की एक क्रियाशील गैस है,
ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਈਡਰੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਡਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੂਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਲੂਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ NaCl ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੂਣ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਹੈ, MgCl2 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਲੂਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਖਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਈਡਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? OH ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲਕਲਾਈਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਲਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਖਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ OH ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਪਣੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਫ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ETT ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਰਾਤ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ 7th, ਪੀਲੀਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ? ਗੁਰਦੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਲੀਵਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ? ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਧਾਤ ਦਾ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਧਾਤ ਦਾ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਖਣਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਪਿਓਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ, ਲਿਗਨਾਈਟ, ਬਾਕਸਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖਣਿਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਗਨਾਈਟ ਵਗੈਰਾ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖਣਿਜ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧਾਤ ਦਾ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਪਸਮ ਕੋਈ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਪਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ POP ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਭ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ POP ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਪਸਮ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਬਟ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਘੋਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਇਮਲਸ਼ਨ, ਕੋਲਾਇਡ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਅਤੇ ਏਅਰਕੋਲ। ਏਅਰਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਘੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ। ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਪਾ ਲਈ, ਘੋਲਤੀ, ਫਿਰ ਖੰਡ ਪਾ ਤੀ, ਘੋਲਤੀ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਜਿਹਾ ਆਜੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੰਡ ਘੁਲਣ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਘੁਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਜੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੁਲਣ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਘੋਲਕ ਨਾ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਲਾਇਡ ਘੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਘੁਲ ਜਾਣ,
इमल्शन आंसर आएगा तो दुध का, दुध का कौन सा आएगा आंसर, इमल्शन। इमल्शन की होंगे जदों दो तरल घोल, तरल जिमें पानी, ठीक है, तो पानी के कोई पानी जी वस्तु ही घोल दीए, तरल प्लस तरल, देखो घोल बहुत तरह के होंगे, ठोस प्लस तरल, तरल प्लस तरल, ठोस प्लस ठोस, इस तरह के घोल होंगे ने, ठीक है, जां ठोस प्लस गैस, बट जो तरल तो तल तरल का घोल होंगे उन्होंने कहते हैं इमल्शन। तो आंसर अपना कहड़ा आएगा, ए ऑप्शन राइट आएगी, इमल्शन कहते हैं। तरल सोना, तरल सोना, तरल सोना, तरल सोने किसनों आखते हैं, किस पदार्थ को, प्लाटीनम, तैरन, तो पानी च पेट्रोलीयम। तरल सोने तो तुम्हें पता लगना चाहिए नाम तो ही, तरल सोना, द्रव सोना, सोना का मतलब की है, जिसकी कीमत ज़्यादा है, जिहड़ा बहुत घट मिलता है, कीमत ज़्यादा है, ठीक है, एक तरह सोने वाले भाव से मिलता अपन, तो कि पेट्रोलीयम, पेट्रोलीयम की महंगाई की है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कि एक तरल सोना भी इनू कहा जाता है। अगेन नैक्सट अपने को 11th क्वेश्चन, समुद्र की डूंघाई को मापने लिए वरत्या जाता है सोनार, रडार, अल्टीमीटर, इन्हां विचों कोई नहीं। समुद्र की डूंघाई मापते हैं जिहदे नाल आपां, रडार तो तुहानूं पता होना चाहिए की चीज़ है, ठीक है, बट जिहड़ा आंसर आएगा तुहाडा सोनार, सोनार की है, ठीक है, सोनार समुद्र की डूंघाई मापने लिए वरत्या जाता है, इसकी फुल फॉर्म इनू इदां ही लिखा जाता है सारे कैपीटल अखर के, ठीक है, इनू बोलते हैं आपां सोनार। साउंड नैविगेशन एंड रिंगिंग, ये की करता समुद्र की डूंघाई माप दिंदा, नाले तां नाले दिशा माप दिंदा पानी की, ठीक है, यही चीज़ा वरतदे आ जिहड़ी इंडियन नेवी दे विच वरत्या जाता सोनार, क्योंकि वह ज़्यादातर नेवी जी वर्क का करती है समुद्र के अपना काम करती है, तो कोई भी होर पनडुब्बी वगैरह आती है ज कोई भी समुद्र के वस्तु आती है तो उन्होंने की करते सराउंड सोनार दे नाल कर लेंगे ने पता लगा लेंगे ने। नैक्सट क्वेश्चन अपना, तो यह आंसर कहड़ा आएगा अपने को, ऑप्शन राइट आएगा, प्रोटीन की डैश, प्रोटीन एक डैश की उदाहरण है, ठीक है, जहाँ आप कह सकते हैं भी प्रोटीन सब तो वध किहदे विच हुंदा है, सूरजमुखी दे विच, चावल दे विच, कणक या सोयाबीन। देखो तो आंसर अगर आप दसीए तो डी आंसर है, सोयाबीन दे विच सब तो ज़्यादा प्रोटीन हुंदा है, जे आप 100 ग्राम सोयाबीन ले लिए ना तो उहदे विच 35 ग्राम प्रोटीन हुंदा, देखो कितना ज़्यादा प्रोटीन है, तो सोयाबीन एक तरह का प्रोटीन ही कहा जाता है। तो अज के जिहड़े अपने क्वेश्चन से आप इत्थे खत्म करते हैं, बाकी तुसीं ध्यान रखना जरूर कि अपनी MSW स्टडी ऐप है जी उन्होंने डाउनलोड जरूर करो, ठीक है, डाउनलोड करने तो बाद अगर कोई ठीक है कोई भी परसन तैयारी करना चाहता पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल, कॉन्सटेबल और या फिर कह सकते आप ETT सैकेंड एग्जाम, ठीक है, इस तरह के कोर्स परचेज करना चाहते हो तो तुसीं कंटैक्ट जरूर करो, अपनी ऐप जरूर डाउनलोड करो, तो जेकर क्लास वधिया लगी तो लाइक तो शेयर जरूर करो ताकि आप नैक्सट क्लास जरूर लेके आवेंगे, ठीक है, हर रोज़ क्लास थोड़ी लगेगी। तो अगे आप जरूर अगर कोई इनफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर के उत्ते कंटैक्ट कर सकते हो 9878731752, तो इस नंबर के उपर कोई भी इनफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। हाँ जी, थैंक यू जी, मिलते हैं आप नैक्सट क्लास के।